कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजी और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलमबंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने सात बित्ते की देह को एक बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोई रही और कभी बाहर झांका तक नहीं, और जब बाहर निकली तो वो नहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है मां मेदिनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी। इसीलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वो मर जाती हैं। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही हो मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वो आखिरी स्त्री कौन होगी।
जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी, और ये मैं नहीं होने दूंगा।